हेलो स्टूडेंट्स, सवाल जवाब के सेगमेंट नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेगमेंट नंबर 4, जो सवाल जवाब का सेगमेंट नंबर 4 था उसमें, कि वाई फ्रीज़र इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रीज़र हमेशा फ्रिज के ऊपर ही क्यों होता है। हालांकि अब कुछ फ्रिज ऐसे आ गए जिसमें फ्रीज़र नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन रिमेंबर उनके कूलिंग सर्किट अलग होते हैं ना, मतलब वो अलग अलग तरीके से कूल होते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल डोर फ्रिज देखें या ज़्यादातर पहले जो फ्रिज देखें, तो उसमें फ्रीज़र क्या होता है, हमेशा फ्रिज के ऊपर होता है ना। तो वहीं देखेंगे कि फ्रीज़र हमेशा फ्रिज के ऊपर क्यों होता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो कन्वेक्शन, ठीक है। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, संवहन, ठीक है ना, हिंदी में इसे संवहन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और ठंडी होने पे ठंडी वाली चीज़ क्या आती है, उसके नीचे चली जाती है। यानी ठंडी होने पे चीज़ नीचे आती है और गर्म होने पे चीज़ ऊपर जाती है ना। तो संवहन बेसिकली एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण का साधन है, एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसमें से कन्वेक्शन दूसरा है। इसमें खुद मीडियम के पार्टिकल हीट लेके एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। लेकिन खैर बात की बात है, कन्वेक्शन यहाँ पे हम अपने डायरेक्ट लॉजिक पे आते हैं कि क्या रीज़न है इसका। तो देखिए, अगर आपके फ्रिज के कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे फ्रीज़र होता है ऊपर। अगर फ्रीज़र, अगर डोर खोलेंगे, सिंगल डोर फ्रिज है तो उसमें फ्रीज़र ऊपर क्यों होता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीज़र क्या होता है, सबसे ज़्यादा कूलिंग कहाँ होती है, फ्रीज़र में। और कई कई फ्रिज तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी की पूरी कूलिंग गवर्न होती है, कूलिंग गवर्न होती है इस फ्रीज़र से। तो क्या होता है, जैसे ही फ्रीज़र ठंडा होता है, ऊपर की हवाएं ठंडी होती हैं, और ऊपर की हवाएं ठंडी होने के बाद क्या जाती है, फ्रिज के नीचे जाती हैं। तो बाकी और चीज़ें जो फ्रिज के अंदर रखी हुई हैं उनको ठंडी करती हैं। इसीलिए अगर फ्रीज़र नीचे होगा तो ये जो फ्रीज़र की वजह से जो हवाएं कूल हुई वो नीचे ही रह जाएंगी, तो बाकी चीज़ें जो फ्रिज के अंदर रखी हुई उनके अंदर इफेक्टिव कूलिंग नहीं होगा, यानी एक प्रभावी कूलिंग नहीं होगा ना। तो फ्रीज़र ऊपर रहेगा, हवाएं ठंडी होंगी और वो ठंडी हवाएं नीचे जाएंगी, तो नीचे जो बाकी चीज़ें रखी हुई है फ्रीज़र के, वो चीज़ ठंडी हो जाएगी। अगर इसका उल्टा, अगर फ्रीज़र को नीचे कर दिया जाए तो हवाएं ऊपर नहीं जा पाएंगी, मतलब ठंडी हवाएं नीचे ही रहेंगी, ऊपर क्यों जाएंगी, क्योंकि ठंडी हवाएं भारी होती हैं और भारी होने के कारण वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और गर्म हवा ऊपर उठ के आती है ना। तो यही कारण है कि ये कन्वेक्शन के कारण ये ठंडी हवाएं भारी होकर नीचे चली जाती हैं, गर्म हवाएं ऊपर आ जाती हैं, और जिसके कारण पूरा का पूरा फ्रिज आपका इफेक्टिव कूलिंग होता है। तो ये इसका सिंपल सा रीज़न है कि फ्रीज़र के ऊपर हमेशा, फ्रीज़र हमेशा फ्रिज के ऊपर ही क्यों होता है। अब हमारे नेक्स्ट सवाल जवाब सेगमेंट का क्वेश्चन ये है कि रिवर्स स्विंग क्या होता है, रिवर्स स्विंग क्या होता है। जैसे सुना होगा रिवर्स स्विंग क्या होता है, बॉलर एक तरफ से बॉल को साइन करता रहता है, क्यों करता है, और रिवर्स स्विंग हम कल नेक्स्ट क्लास में अपने ये भी देखेंगे बाकी स्विंग से अलग कैसे है और उसके फिजिक्स क्या है, रिवर्स स्विंग के फिजिक्स क्या है। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बताइएगा कि रिवर्स स्विंग क्यों होता है और ये बॉल को साइन क्यों करते हैं। कोई बॉलर होते हैं, बॉल को आपने देखा होगा अपने पतलून पे साइन करते रहते हैं, अपने पैंट्स पे साइन करते, क्यों करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखें। अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।